मुनिवर के चरणों में जनक का प्रणाम। आयुष्मान हो मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको नमस्कार करती है। जहु सुयश जग छाई के सुख सुषमा सरसात, पतिव्रत माँ ही प्रवीण हो, बनाए रखिएगा, अटल रहे अधिभाग दृश्य आपके सामने। राजपुत्री सीता सावित्री बहु शांति से बैठिए। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले दो भाई। मुनिवर अयोध्या नरेश के पुत्र, महाराज जनक के पुत्र राम और लक्ष्मण आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। निडर हो रीते सदा, सवर्ण जीते कोए, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांतर होए। मेरे परसे से अबे हो जाओ पुत्रो। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मुनिवर एक दिन मेरी पुत्री सीता गृह कार्य कर रही थी और हमारे घर में शंकर जी का ये विशाल धनुष रखा था, जिसे मेरी पुत्री ने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे बड़ी ही सहजता से रख दिया। उसे देख मैंने ये प्रण किया कि जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसका खंडन करेगा, उसके साथ ही सीता का विवाह करूंगा। सो मुनिवर देखिए देखिए आज मेरा प्रण पूरा हुआ। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ग जनक धनुष तोरा। भगवान शंकर के धनुष की ये अवस्था, जिसे माता पार्वती बासु की नाक की केचली में लपेट कर रखती थी, उसकी ये दुर्दशा। ओ मूर जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितना पृथ्वी पे राज तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। मुनिवर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ये अपराध किया वो दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं, जिस पर हो दया ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सेवक वो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर कर ही लड़ाई, सुनहु राम जो शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम सोरिप मोड़ा, जो बिलगाई बहाई समाजा, नित मारे जे ये सब राजा। हे राम सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में पे आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है, जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में कितनी धनवी तोड़ी, तब तो ना इतना रिस जाए, इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के तू
मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। यह महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुषम है। श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो ऋषिराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या नौत्यारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल भ्रमचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू पर से ने शूणित की नदी बहाई है, इस आर्य भूमि को कई बार अन्याय रहित बनाई है। विख्यात शस्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी निहार जो लहू चाटने वाला है। बस बस इसी एक परसे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार ऋषिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुठल है, परसे में नहीं पर बलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। पर साथ दिखलाकर बार बार क्या क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से ही विद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए सेवे खा जाए, कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दान तभी वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देते जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। ओ बालक, भगवान बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति यदि तुम आते तो मुनिवर सहलेता ये लाते, पर वीरों का सा वेश देख इसने भी की इतनी बातें। करता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ, सचमुच यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है ऋषिराज आप, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था इस धनवे का, उसने इसको तुड़वा डाला। अब कहिए होते हैं कौन आप जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मरे हुए इस धनवे पर तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज जो सब होने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अब इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे आए हो, या कार आपका वाहन है जो उसको साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो खुद अपना व्याख्यान करें। अरे कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। छोटा है अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा।
ले आए आप महाजन को तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का, अरार निवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजरती है खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। ऋषिराज हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। रणिवासों के पाले वाले जब रण के पाले बढ़ते हैं उस समय का हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। बस बस बहुत कर चुका काट, अब ये परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो तुझ में नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुलाड़ा ये अब जो तेरा नहीं संघार किया। है नहीं सवाल बालवत का, है नहीं सवाल बालवत का, बालक जब स्वयं उलझता है मत देना, अरे मत देना मुझको दोष कोई, अब ये परसा इस पर चलता है। शांत ऋषिराज, शांत ऋषिराज, शांत। बालक के दोष गिनों को साधु जन नहीं गिना करते। ठीक है मुनिवर, मुनिवर तुम्हारी आग्रह से मैं इसे छोड़े देता हूं। अब तक जितना क्रोध किया सब लौटाए लेता हूं, पर देखो देखो उसकी ये मुस्कुराहट, करती विदीन ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी इन आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना कहे आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग अनुराग धनुष इस खंडों से इसको भी ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का हो तो मिस्री बुलवा कर जुड़वा लो, छेड़छाड़ की भांति हो फिर व्याख्यान सुना डालो। ओ बाला मुनिवर, मुनिवर अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला का परसे की, हे नाथ हमारी ये गर्दन अब छाया में है परसे की, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता या अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी हो। हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है सरताज हमारे होते हैं, मुनिनाथ ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को गरमाई फिर छा जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, मैं अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रहकर मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा हुआ, हे राम अब इसे मार ही डालूंगा यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाव ना आगे बढ़ता है, पर सब पहाड़ हो रहा मुझ पे जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना सावधान, कहीं मूरत बनकर ना रह जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमको मंदिर पड़े यहाँ आपका बनवाना। ऋषिराज फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं, भगवान भगवान यदि स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की, देखते हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। मैं पशुराम कहलाता हूं तू भी राम कहता है,
मेरा ही नाम छीनादा मुझ पे ही धाक जमाता है, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा अन्यथा जगत को मत बहका, दे राम नाम का त्याग अभी। मुनिवर, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है, मैं राम आप है परशुराम, बतलाइए किसका नाम बड़ा, बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा, मुनिनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितना झुकते जाते हैं पर वो इतना चढ़ते आते हैं, इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना क्रोध नहीं अच्छा, आनंद प्रभु एकता में है ये वैर विरोध नहीं अच्छा, तारीफ नहीं अभिमान नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, उस समय काल भी हो सम्मुख उससे कुश्ती लड़ता है, इसलिए ना परसा दिखलाए, इसलिए ना परसा दिखलाए, इस परसे से हम ना डरते हैं, हाँ हाँ एक शस्त्र है महाशस्त्र जिसका हम आदर करते हैं, वो शस्त्र ना लोहे का ही है फिर ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से पृथक नहीं सर्वदा साथ में रहता है, कहिए कहिए बतलाए वो क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है, हे नाथ देखिए नीचे की ओर ये उन चरणों की ठोकर है, बस बस यही है वो महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सिर है, यदि आप करें इसका प्रयोग तो ये वक्ष स्थल हाजिर है, विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ओर प्रभु, इसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह निशान कुछ और प्रभु है, ये क्या मेरे हृदय में प्रकाश पुंज सा कैसा उत्पन्न हुआ, लगता है भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार दिया है, ठीक है मैं अभी इसका समाधान करता हूं, राम रमापति कर धन लेहु कैसे मिटे मोर संदेहु, लाइए मुनिनाथ, बोलो बोलो विष्णु भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, राम रमापति कर धन लेहु कैसे मिटे मोर संदेहु, तित चाप आप ही चली गए परस राम मन किस में भयो, परस राम मन